तो दोस्त आज हम लोगों ने सोचा क्यों ना पीएच इंडिकेटर बनाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को चाइना रोज चाहिए होगा। अब हम लोगों को एक पेपर ले लेना है। अब हम लोग का जो चाइना रोज लाए थे उसको लेके आना है और उसको पेपर में कुछ इस प्रकार से घिसना है। इसको अच्छे तरीके से पूरे पेपर में घिस लेना है। अब अच्छी तरीके से घिसने के बाद इसको धूप में सूखने के लिए डाल देना है। 2000 years later तो अब हम लोगों ने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, तो आइए अब इसको टेस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ईयरबड ले लिया है और हम लोग के पास अभी चार सॉल्यूशन है। एक में है, इसमें है, हम लोगों ने सरफेस से लिया है जो कि एक बेस। आइए इसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पेपर को डिप नहीं कर रहे क्योंकि उससे जो है यहाँ पर हम लोगों ने पानी का अमाउंट ज़्यादा रखा है, डायल्यूट किया है, तो ये जो है ये पूरा घुल जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का हो चुका है। यहाँ पर कैमरा में ठीक से नहीं दिख सकता है अभी, लेकिन ये ब्लैक कलर का हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब दूसरे साइड से हम लोगों ने ले लिया है ये सॉल्ट वाटर। आइए अब देखते हैं सॉल्ट वाटर का क्या होता है। देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा ब्लैकिश हुआ है। अब हम लोग दूसरा ईयरबड लेकर के इसको हम लोगों ने हार्पिक ले लिया है जो कि एसिड के हिसाब से। आइए अब इसमें डिप करके देखते हैं क्या होता है एसिड में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर जो है वो पिंक हो चुका है, यानी कि ये एसिड है। तो आइए अब हम लोग लेमन से इसका लेमन का जूस ले करके देखते हैं। इसका कलर जो भी है लेमन जूस से भी इसका कलर पिंक हो चुका है। अब जो फाइनल रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है। आप चाहते हैं तो इस पीएच स्केल से मैच करके देख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं।